सो वी ऑल नो कि मसल बिल्डिंग के लिए एक हाई प्रोटीन डाइट कंज्यूम करना कितना इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप काफी टाइम से जिम जा रहे हो तो आपने कभी ना कभी जरूर इस मील को अपनी डाइट में ऐड किया होगा, जो है हमारा स्टैंडर्ड बॉडी बिल्डिंग मील विच इज चिकन ब्रेस्ट एंड राइस। एंड चिकन ब्रेस्ट एक काफी अच्छा प्रोटीन सोर्स है, बिकॉज 100 grams ऑफ चिकन ब्रेस्ट से आपको 31 grams ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। एंड अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं काफी टाइम से इस मील को अपने मील 2 में लेते आया हूँ, जिसे मैंने काफी बार अपनी फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियोस में भी शो किया है। एंड इस सेम रेसिपी को खाते हुए मुझे 2 साल से ऊपर हो गए हैं, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से इट, आई स्टिल एंजॉय इट एवरी डे। सो आज की वीडियो इसी चिकन ब्रेस्ट रेसिपी पे होने वाली है, ताकि आप रोज इस रेसिपी को बिना किसी प्रॉब्लम के प्रिपेयर करके एंजॉय कर पाओ। एंड आई नो मेरी काफी ऑडियंस कॉलेज या हॉस्टल वाली है, सो आई नो आपको खुद से अपने फूड को प्रिपेयर करना पड़ता है, सो स्पेशली आपके लिए ये रेसिपी काफी हेल्पफुल होने वाली है, बिकॉज इसे प्रिपेयर करना काफी ईजी है एंड कन्वीनियंट भी, क्योंकि आप इसे एक बार प्रिपेयर करके 3 दिन तक यूज कर सकते हो। क्योंकि मेरा मानना है किसी भी हाई प्रोटीन मील में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट चेक होने चाहिए। पहला कि वो इजी टू मेक हो ताकि आप उसके साथ सस्टेन कर पाओ, एंड सेकेंडली वो टेस्टी हो ताकि आप उसे एंजॉय करो एंड उसके साथ कंसिस्टेंट रह पाओ। आई नो ये काफी बेसिक पॉइंट है बट इम्पोर्टेंट भी, एंड ये रेसिपी दोनों पे चेक लगाती है, बिकॉज मैं इसे मैरिनेट करके एक बार प्रिपेयर कर लेता हूँ एंड 3 दिन तक यूज कर पाता हूँ। एंड सेकेंडली ये काफी टेस्टी है, शायद इसलिए मैं इसे 2 साल से ऊपर खा रहा हूँ तो अभी तक बोर नहीं हुआ। एंड काफी लोग इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपनी डाइट को एंजॉय करो ताकि आप उसके साथ कंसिस्टेंट रह पाओ। सो या इस रेसिपी के साथ आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, तो चलो चलते हैं हमारे किचन में, बट उससे पहले अपना चिकन ब्रेस्ट लेके आ जाते हैं, चलो। हेलो, हाँ भैया, रॉ चिकन ब्रेस्ट आ गया क्या? नहीं। हाँ कर दो, 200 का कर दो। हाँ मैं आ गया 5-10 मिनट में। ओके चलो। सो फाइनली आ गए हम हमारे किचन में, एंड हमारे पास है ये 450 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट। एंड सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है इसको अच्छे से वॉश कर देना। काफी इंपॉर्टेंट है हम हमारे चिकन ब्रेस्ट को अच्छे से साफ करें, ताकि वो सारे गंदे बैक्टीरिया वगैरह अच्छे से क्लीन हो जाए। सो ये हो गया हमारा चिकन ब्रेस्ट अच्छे से वॉश। एंड अब हम इसमें डालेंगे हमारे सारे स्पाइसेस उसको मैरिनेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे दही। सो हम इसमें लेंगे 2 tablespoons ऑफ दही, 2 full tablespoons ऑफ दही। बाकी अगर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा दही यूज करनी है तो आप एक्स्ट्रा भी यूज कर सकते हो, ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बस उसकी कैलरीज देख लेना, ये तो ऑलमोस्ट 25 grams ऑफ दही है। सो नाउ आफ्टर दही हम लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। मेरी मम्मा पहले से एक जिंजर गार्लिक पेस्ट घर पे रेडी करके ऐसे कंटेनर में रख देती है, विच मेक्स द वर्क इजी। थैंक यू मम्मा, कैमरा के पीछे है। एंड हम इसमें डालेंगे 1 tablespoon ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। सो अब आ जाएगी हमारे स्पाइसेस की बारी। सो सबसे पहले हम लेंगे 1/2 tablespoon ऑफ ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। देन उसके बाद हम लेंगे 1/2 tablespoon ऑफ लाल मिर्च पाउडर। देन इसके बाद हम लेंगे 1 tablespoon ऑफ धनिया पाउडर। इस वाले कंटेनर में धनिया पाउडर और गरम मसाला दोनों मिक्स है। अगर आपका मिक्स नहीं है तो आप 1/2 tablespoon ऑफ धनिया पाउडर और 1/2 tablespoon ऑफ गरम मसाला ले सकते हो। देन इसके बाद हम लेंगे 1 tablespoon ऑफ सॉल्ट यानी नमक। एंड वैसे आप ये सारे स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़े ऊपर नीचे कर सकते हो। देन हम लास्ट में इसमें लेंगे थोड़ी कसूरी मेथी, इट इज ऑलमोस्ट 1/2 tablespoon। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, प्लीज इसे इग्नोर मत करना। देन आप इसमें 1/2 tablespoon ऑफ देगी मिर्च भी डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है, ये बस हमारे चिकन ब्रेस्ट के कलर को इफेक्ट करता है, इससे टेस्ट का कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड ये सब डालने के बाद लास्ट में हम करेंगे इसको मैरिनेट। अब मेरी मम्मा तो इसे हाथों से कर देती है, पर मुझे हाथों से करना पसंद नहीं है, तो मैं स्पून के थ्रू करूंगा। आप लोग भी स्पून के थ्रू कर सकते हो अगर आपको हाथ गंदे नहीं करने। सो यस, लेट्स गेट द वर्क डन। तो जैसे आप देख सकते हो ये अब अच्छे से मिक्स हो गया है। एंड नाउ इसे हम छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए 1 घंटे के लिए, 1 घंटा। सो पहले हम लेंगे एक पैन या कढ़ाई। देन हम इसमें लेंगे 1 to 1.5 tablespoons ऑफ ऑलिव ऑयल। एंड जब हमारा पैन ऑयल के साथ हीट अप हो जाए इसको कर दो सिम। देन इसमें हम डालेंगे हमारा मैरिनेट हुआ चिकन। एंड अच्छे से वो पूरा मसाला यूज करना है। एंड अब रखने के बाद हम हमारी गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। ये चिकन हमारा मीडियम फ्लेम पे ही कुक होगा। एंड देन हम इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे लिड से। एंड इसको हम पहले 5 से 7 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख देंगे। अब आफ्टर 5 मिनट्स लिड को फिर से हटा के थोड़ा चिकन को हिलाओ, एंड देन फिर से रख दो फॉर 5-7 मिनट्स। एंड देन फिर से सेम प्रोसेस करो जब तक हमारा चिकन अच्छे से कुक नहीं हो जाता। आप चेक भी कर सकते हो। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, हमारा चिकन मीडियम फ्लेम पे ही कुक हो रहा है। एंड अब आप देख सकते हो हमारा चिकन ब्रेस्ट अच्छे से कुक हो गया है, मतलब ये 10 to 15 मिनट्स की प्रोसेस है, बट हमें तो इसे एक ही बार अच्छे से प्रिपेयर कर देना है, क्योंकि हमारा 3 दिन तक चलेगा। एंड हमारा चिकन ब्रेस्ट हो गया है रेडी।
सो ये थी हमारी चिकन ब्रेस्ट की रेसिपी। एंड मैं रोज अपने मील टू में 125 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट ही खाता हूँ। सो मैं तो शॉप से एक साथ 200 रुपीस का चिकन ब्रेस्ट ले आता हूँ, जो मेरा आराम से 3 दिन चल जाता है। जो मेरे यहाँ तो 200 रुपीस का 450 ग्राम आता है। एंड जो स्पाइसेस की क्वांटिटीज थी वो भी उसके अकॉर्डिंग थी, एंड आप अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हो। एंड रही बात खाने की, सो मैं मंडे को प्रिपेयर करके खा लेता हूँ, एंड जो बाकी का बच जाता है उसमें फ्रिज में स्टोर कर देता हूँ। एंड देन नेक्स्ट डे फ्रिज से निकाल के हीट किया, फिर खाया, एंड देन 2 दिन चलाया, एंड देन ऐसे ही मैं नेक्स्ट 2 डेज खा लेता हूँ। एंड देन फिर से थर्सडे को लाया, प्रिपेयर किया, फ्राइडे सैटरडे फिर से फ्रिज से निकाल के खाया, एंड देन नेक्स्ट वीक रिपीट। मतलब मोटी मोटी बात, मुझे वीक में से सिर्फ 2 बार प्रिपेयर करना होता है, एंड ये मेरा पूरा वीक चल जाता है। एंड मैंने सेम रेसिपी पर काफी पहले एक वीडियो अपलोड की थी, बट उस पर मुझे रेसिपी से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस और डाउट आते थे। सो मैंने इसलिए स्पेशली इस वीडियो में हर स्टेप को एक्सप्लेन किया है, और एटलीस्ट ट्राई किया एक्सप्लेन करने का। एंड आई होप अब आपको इसे प्रिपेयर करने में किसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड ऑल्सो जब मैं 125 ग्राम्स ऑफ चिकन 300 ग्राम्स ऑफ राइस के साथ खाता हूँ, तो उसमें मैं 1/2 टेबल स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल की भी कैलोरीज ट्रैक करता हूँ, जिसके मैक्रोस हैं ये। सो या ये थी हमारी रेसिपी, आई होप आपको ये पसंद आई। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कैसी लगी, एंड अगर आप ऑलरेडी इसे खा रहे थे तो वो भी बताना। एंड इफ यू फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव प्लीज लाइक द वीडियो। चैनल पे नए हो और वीडियो पसंद आई सो डू सब्सक्राइब द चैनल, मैं हर वीक इस पे एक फिटनेस रिलेटेड कॉन्टेंट डालता रहता हूँ। ऑल्सो शेयर इट विद अ फ्रेंड, ताकि उसे अपनी फिटनेस जर्नी में हेल्प मिले एक नई रेसिपी के साथ। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।